न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जिला पार्षद एवं युवा नेता प्रशांत उर्फ सन्नी यादव के मात्र एक आह्वान पर रविवार को रेवाड़ी के गांव खोरी में युवाओं का भारी हुजूम देखने को मिला। इन युवाओं ने खोरी पहुंचे गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को अपना समर्थन देते हुए उन्हें भारी जीत का आश्वासन दिया। इस मौके पर खोरी में आयोजित जनसभा में सन्नी यादव की टीम ने राव इंद्रजीत सिंह का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भीड़ देख राव इंद्रजीत सिंह भी गदगद हो गए। बाइकों पर आता युवाओं का काफिला देखते ही बनता था। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने खोरी में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के उपरांत सन्नी यादव का दिल से आभार जताया तथा कहा कि जिस तरह सन्नी यादव की टीम ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए स्वागत किया है, वे उसके लिए सन्नी यादव के आभारी रहेंगे। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सन्नी यादव ने कहा कि 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इलाके के युवाओं और बुजुर्गों ने अब यह ठान लिया है कि राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भेजेंगे। सन्नी यादव ने बताया कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के लिए आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 9 कार्यक्रम रखे हैं। जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव का सवाल है तो वे राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले कहीं भी नहीं खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में ग्रामीण जीत का आश्वासन देते हुए अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और भारी संख्या में यहां ग्रामीण मौजूद हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। राव इंद्रजीत सिंह को पूरी बहुमत से यहाँ से इलाके के नौजवानों ने सब बुजुर्गों ने ठाना है, बहुत भारी संख्या में यहाँ से जिता कर भेजेंगे। आज कार्यक्रम राव साहब के तो काफी कार्यक्रम है, परंतु हमारे सब नौजवान साथियों की टीम से इलाके की हमारी तरफ से 9 कार्यक्रम रखे गए हैं। इसके बाद सैणवास गाँव में प्रोग्राम है, उसके बाद फूलपुर गाँव में प्रोग्राम है, गंगा चाहिए गोकलगढ़, इस तरीके से कार्यक्रम शाम तक चले। आपके साथ हजारों युवा है, इसका कितना फर्क पड़ने वाला है? आज आप देख रहे होंगे यहाँ नौजवानों की संख्या, एक बार आप कैमरा घुमा के सब आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा नौजवान किस तरफ रुझान कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी किस तरह से चुनौती दे पाएंगे रविंद्र जी? उनका कोई मुकाबला नहीं रहेगा, बहुत पीछे। सन्नी भाई, सन्नी यादव ने भी समर्थन दिया, युवा जुड़े हुए हैं, क्या कहूँ कितना फर्क पड़ेगा इस चीज से? देखो, युवा तो हमारे साथ लगी रही है और उनका स्वागत है, जिन लोगों ने पार्षद होने के साथ साथ लोगों के अंदर अपनी पैठ बनाई है, तो आज ही हमारा सहयोग कर रहे हैं।